नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि आपकी मार्कशीट फट गई है, खो गई है, या फिर आप जो ऑनलाइन वाली मार्कशीट है डाउनलोड करना चाहते हैं, देश के किसी भी बोर्ड की मार्कशीट 10th या 12th की आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन के जरिए आपको 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा और जानकारी पसंद आए देखकर लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी ब्राउजर में आकर टाइप करना आपको डिजी लॉकर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब डिजी लॉकर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी डिजी लॉकर का, जो ऑफिशियल वेबसाइट है digilocker.gov.in। सिंपली आपको जो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने है जो ऑफिशियल वेबसाइट का इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल में आपको डेस्कटॉप मोड में काम करना है, तो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो आप थ्री लाइन नज़र आ रहा है। सिंपली आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइड को इनेबल करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तब आपके सामने जो डेस्कटॉप मोड है वो इनेबल होगा। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आपने पहले से कभी डिजी लॉकर यूज किया है, तो अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पर आपको साइन इन करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है यहाँ पर साइन अप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप इसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पर अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हो, अदरवाइज आप इंग्लिश रहने दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने डिजी लॉकर पर पहली बार विजिट किया है, तो यहाँ पर दोस्तों साइनअप वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तब दोस्तों आपका जो नया अकाउंट है वो बनाने के लिए यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी लीगल नेम है फुल नेम वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, जो भी आपका आधार कार्ड में, ठीक है, सही नाम होना चाहिए। इसके अलावा इसके बाद दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करना है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है, मेल, फीमेल, अदर। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो दोस्तों एक्टिव हालत में होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाना है, और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक वैलिड जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना और फाइनली है जो सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर है जो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अकाउंट बनने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं, और मान लो आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद क्या करना, आपको साइन इन पर जैसे क्लिक करेंगे तब दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है यानी जब भी आपने अकाउंट बनाया था उसमें जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है वो एंटर करना है। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि सिक्योरिटी पिन है वो भूल गए थे, तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो सिक्योरिटी पिन है उसको आप जो रिसेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया तब यहाँ पर है जो मेरे पास एक रजिस्टर्ड जो भी मैंने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया, और यहाँ पर दोस्तों ओटीपी डालने के बाद है जो आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तब दोस्तों आपके सामने है जो डिजी लॉकर का ऑफिशियल पोर्टल है उसका यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपने डॉक्यूमेंट अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रखे हैं तो वो यहाँ पर दिखा देगा, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन नज़र आ रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों तीसरे नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है चर्च डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब देख सकते हो आप यहाँ पर है जो कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से चर्च कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप क्या करें स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी कि आप जिस भी राज्य की कोई मार्कशीट 10th या 12th की डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही दोस्तों आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ऑल एजुकेशन और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का ऑप्शन आ रहा है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल में दोस्तों बहुत सारे सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा देगा, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर एजुकेशन पर क्लिक करना है, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ से आपको है जो बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाला मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तब आपके सामने है जो क्लास 10th मार्कशीट और क्लास 12th मार्कशीट। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको 10th की जो मार्कशीट है वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लास 10th की मार्कशीट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको है जो कैंडिडेट नेम एंटर करना है यानी जो भी आपका नाम है, उसके बाद आपको
अपना जो रोल नंबर है 10th का वो यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर जो भी ईयर यानी जिस भी ईयर में आपने 10th पास की थी वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको ये टिक बॉक्स मार्क करना है और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट फेस्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आपके सामने है जो ये क्लास 10th की मार्कशीट है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ से आप क्या है दोस्तों इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख डॉक्यूमेंट पर है जो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू है देख सकते हो, यहाँ पर 3rd नंबर जो डॉक्यूमेंट है क्लास 10th मार्कशीट राजस्थान बोर्ड का, तो यहाँ से क्या है कि आप इसको देख भी सकते हैं, और साथ में है जो यहाँ से आपको डाउनलोड वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ से आप PDF XML या फिर JSON पर है जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। PDF पर जैसे आप क्लिक करेंगे तब दोस्तों यहाँ पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है PDF के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन हो रही है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार की मार्कशीट है, ये दोस्तों एक ओरिजिनल मार्कशीट है और ये कहीं पर भी वैलिड है, आप इसको कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल दे रखी है। साथ में दोस्तों नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर DigiLocker वेरीफाई और डिजिटली साइन ऑन, तो यहाँ से दोस्तों ये डिजिटली मार्कशीट वेरीफाइड मार्कशीट है, आप इसको कहीं भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है।